हमारे यहाँ जो है एक हाई स्कूल बना है, मध्य विद्यालय और उत्क्रमित हाई स्कूल। सर हमको भूतपूर्व मुखिया है, उस समय हम मुखिया थे सर, लेकिन इसको जो है इसमें अभी तक टीचर जो है सर नहीं आया, बंद ही रहता है। और इसमें प्रत्येक साल लगभग 200 से 250 बच्चे का एडमिशन होता है। तो हम लोग बहुत क्या देता है नहीं, आपका जहाँ भी उत्क्रमित हुआ है टीचर को आपको अलग से मिले नहीं? जिनका हुआ आपको तो पता होगा ना टीचर का यहाँ। हाँ, डिप्टेशन में बुलाए थे कि आप बात कर रहे हैं जी, उनको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? हाँ, वो हमको जहाँ तक जानकारी है सर, जो बाकी ग्रामीण यहाँ पे जल मीनार से पहुंच जाएगा। दूसरा जल मीनार भी बना रहे हैं, दूसरा यूनिट भी बना रहे हैं, बोरिंग और इसमें ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर सकता हम टाइम दे रहे हैं सर, संवेदक भी यही क्या हमारे यहाँ जितना कृषि पीड़ा पूरा ट्रांसफार्मर लगा था सारा चोरा, हम लोग परेशान हैं। बिजली बंदर का बंदर तार हम लोग खरीद के बोलो वहाँ पे आज लगाओ, इनका नोट कर लो कम से, और बिजली से जरा हमारा जमीन टोला है, घर भी पानी नहीं जा रहा। जी आज पूरे ज़िला में 35 पंचायतों में पूरे पदाधिकारियों को भेजा गया था, और हम भी यहाँ सुलिंदाबाद में आए हैं ताकि पब्लिक को जो आम योजनाएं हैं उनकी जानकारी है कि नहीं, जो योजनाएं चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई उनकी शिकायत हो। सभी जिला के लेवल के भी पदाधिकारी थे, सभी समस्याओं को सुना गया है, जो सामने निराकरण हो सकता था उसको करने का प्रयास किया गया है, जिस पे जांच के आदेश देने थे उन पे जांच के आदेश दिए गए हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी। सर कई ग्रामीणों का ये कहना है कि जो जल नल योजना है या फिर नली गली योजना है वो कहीं भी धरातल पर नहीं है। नल जल योजना में कंप्लेंट्स आ रही हैं, और जहाँ पे संवेदक कार्य नहीं कर रहा है, PhD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को स्पष्ट निर्देश दिया गया है इस पे कि उन संवेदकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। डिबार करने से काम नहीं होगा, ब्लैकलिस्ट किया जाए उनको, ताकि उनको आगे सरकारी कार्य ना मिले, और अगर प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता पड़े तो वो भी किया जाए, और उसके बाद वो क्लोज करते हुए नया टेंडर इमिडिएटली फ्लोट करे ताकि उस संवेदक के ऊपर टिके ना रहें। अन्य जो है काफ़ी वार्ड का यहाँ पे केस माननीय उच्च न्यायालय में स्टे की वजह से पेंडिंग है सहरसा का, उसके लिए भी विभाग से लगातार पत्राचार किया जा रहा है कि उस माननीय उच्च न्यायालय में अपना दायर करके और उस स्टे को हटाया जा सके, ताकि हमारे सहरसा का हर घर